नमस्ते, मैं गीता खरप आपका जी कुशन कवर बनाना बताऊंगी। हम इसे कितनी लेंथ लेंगे, कितनी विड्थ लेंगे, बनने के बाद क्या साइज़ का बनेगा, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी हम बनाना शुरू करते हैं। हमने ये दो टाइप का कपड़ा ले रखा है, इनकी लेंथ और विड्थ 40 सेंटीमीटर हमने रखी, दोनों की हमारी लेंथ और विड्थ सेम है। अभी हम इनको दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और इस पर पिंच लगाएंगे। और पहले क्या करना है, हमें इसमें 8 सेंटीमीटर का गैप छोड़ना है। इस पर निशान लगा लिया है और अभी हमने 8 सेंटीमीटर पे निशान लगा लिया। अभी साइड में पूरे में पिंस लगाएंगे और जो 8 सेंटीमीटर का निशान लगा था इस पर हमें सिलाई नहीं लगानी है और दूसरे पे पूरे पे हमें सिलाई लगानी है। पहले हमें पिंस लगानी है, इसलिए पिंस लगाए ताकि सिलाई लगाएंगे तो ईजी से सिलाई लग जाएगी। पूरे पे सिलाई लगा के लेके आते हैं। हमने पूरे में सिलाई लगा दी, थोड़ा सा पार्ट छोड़ा हुआ है इसको सीधा करने के लिए। अभी सीधा कर लेते हैं इसे। ये हमारा सीधा हो गया है। अभी हमें इसको सिलना है, जो 8 सेंटीमीटर खाली पार्ट छोड़ा था इसको हमें नीडल से सिल लेना है। नीडल से हमारा ये सिल जाएगा ऐसे करके। अब हम इसको आगे बनाना शुरू करते हैं। अभी हमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर फोल्ड करना है। 6 सेंटीमीटर हमने ये फोल्ड किया इधर से। और पिंच लगानी है। अगर आप हमारे जैसे ही सेम साइज का कपड़ा लोगे तो सेम साइज का बनेगा कुशन। अगर बड़ा बनाना है तो आप ज़्यादा बड़ा कपड़ा ले और फिर आपका बड़ा कुशन बन जाएगा। आप कितना भी साइज़ का इसमें कुशन बना सकते हैं। ऐसे ही हमने 6-6 चारों साइड पे 6 सेंटीमीटर कपड़ा फोल्ड करना है। आपको बड़ा कुशन बनाना है तो आप जितना भी बड़ा कपड़ा लेंगे उसका आपका हाफ बच जाएगा कुशन बन के करीबन। अभी इस पर हमने पूरे पे पिंस लगा दी हैं। अभी हम आगे बनाना शुरू करते हैं। इसको सीधा करना है और इसको फिर से फोल्ड करना है, ऐसे करके इसके फोल्ड करना है। जैसे फोल्ड हो गया हमारा, अभी हम इसको सिल लेते हैं। इन चारों कोनों को, चार कॉर्नर्स को सिलना अच्छे से हमें। पीछे ले जाके धागा कट कर देंगे। फिर आप चाहे तो सामने भी धागा कट कर सकते हैं। भी हम सामने धागा कट करते हैं क्योंकि यहाँ बटन लगाना हमें। अब इनको कॉर्नर को, ये हैं, इनको हमें सीधा करना है। इसको सीधा करेंगे, इसको भी सीधा करेंगे, इसको भी सीधा करेंगे। अब इसको हमें फोल्ड लगाना ताकि दूसरा वाला कलर बाहर आ जाए। अब इनको हमें फोल्डिंग में लेके आना है। पहले हमने इनको सबको सीधा कर लिया, अभी इन सबको हमें फोल्ड करना है। चारों को हमने ऐसे फोल्ड कर दिया है। अभी फिर से इनको सिलना है, इन कॉर्नरों को। चार कॉर्नर को लेना है और ऐसे करके एक साथ में सिल देना है। आप चाहे तो साथ के साथ इस पर बटन भी लगा सकते हैं। पहले इसको सिले फिर साथ के साथ बटन लगा दें। अगर टेबल मैट बनानी है तो आप टेबल मैट को ऐसे ही बना सकते हैं। इसको ऐसे ही रख के इसे बटन लगा के आपकी टेबल मैट बन जाएगी। अगर कुशन बनाना है तो इसका बैक वाला पार्ट बनाएं। अभी हम इसमें बटन लगा देते हैं एक बार। इसमें आप कोई भी साइज़ का बना सकते हैं। जितना भी कपड़ा लेना है उसको पहले चारों साइड से फोल्ड करना है, फिर फोल्ड करके फिर से फोल्ड करना। ध्यान रहे फोल्ड आपका इतना होना चाहिए कि दोबारा फोल्डिंग करो तो पूरा कपड़ा आपका फोल्ड हो जाए, जैसे हमने फोल्ड किया है। अभी हमने बटन लगाए कंप्लीट कर दिया हमारा ये। अगर टेबल मैट बनाना चाहते हो आप, टेबल मैट कंप्लीट हो गई है। हम इसका बैक वाला पार्ट बनाते हैं। दो पार्ट लेने और उनको फोल्ड कर देना। हमने बड़े वाले पार्ट लिए हैं ताकि एक दूसरे के ऊपर आ जाएँ। इनकी सिलाई लगा के लेके आते हैं। हमने पूरे में सिलाई लगा दी इनकी। अभी इनको उसके ऊपर रखेंगे। हमने साइज़ में बड़े लिए उनसे। अभी इनकी लेंथ हो गई है 18 सेंटीमीटर और विड्थ हो गई है 18 सेंटीमीटर। अभी बैक वाला पार्ट इसके ऊपर रखेंगे। ये दोनों बड़े साइज़ में हैं, ऊपर नीचे दूसरे के आ जाएंगे। और इसे पिंस लगानी है, फिर हमें चारों साइड से इसकी सिलाई लगा के लेके आनी है। पहले पिंस लगाएंगे ताकि सिलाई ईजी लग जाए। अभी हम सिलाई लगा के लेके आते हैं। हमने ये पूरा कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट होने के बाद कुछ ही ऐसा दिखाई दे रहा है।
हमारा क्वेश्चन बन के रेडी हो गया है। अगर आप चाहे तो ऐसे अपना क्वेश्चन कवर बना सकते हैं। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।